देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। संदिग्ध अवस्था में दो लोगों को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया। तलाशी के दरमियान इन लोगों के पास से एक पिस्तौल और गोली बरामद हुई। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार ने प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर बेटा हॉस्पिटल के पास दो मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्ति में से एक राहुल कुमार है तो दूसरा वेद प्रकाश देव नाम का व्यक्ति है। इनके पास से कुल मिलाकर एक पिस्तौल, एक गोली, दो मोटरसाइकिल, दो मोबाइल फोन जब्त किया गया है। जानकारी ये देनी कि आज सुबह लगभग 5 बजे लहरिया थाना की पैंथर की टीम जो है वो बस्ती एकदम में घूम रही थी। कुछ सूचना मिली, सूचना के आधार पर लहरिया अंतर्गत जो आर्मी मेमोरियल अस्पताल है वहाँ डॉक्टर गौरी चंद का क्लिनिक है, उसके पास दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में देखे गए। उन्हें पूछताछ के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो भागने लगे। भागने के क्रम में उन्हें खदेड़ पर पकड़ा गया। दो व्यक्ति गिरफ्तार होकर के लाए गए। उनका नाम राहुल कुमार मंडल और वेद प्रकाश वेद है। दोनों दरभंगा के स्थानीय हैं। एक का घर बिता थाना अंतर्गत है और एक सहयोग स्थान थाने के अंतर्गत रहता है। इनकी विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में इनके पास एक पिस्टल, एक मैगजीन और एक लाइव बुलेट मिला। इसके अलावा दो मोबाइल्स हैं, इनके बाइक्स हैं जिनका ये कोई पेपर प्रस्तुत नहीं कर सके, और कुछ और भी सिगरेट वगैरह के पैकेट्स, कुछ सिरेंज वगैरह भी बरामद हुआ है। इनमें से एक राहुल कुमार मंडल है, उसका एक काफ़ी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। नगर थाने में, लहरिया सराय थाने में केसेस हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के कुछ थानों में इसके केसेस। दरभंगा बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डढ़ाड़ गांव में सुबह ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ और ट्रांसफार्मर धमाकेदार आवाज के साथ ब्लास्ट कर गए। नीचे गिरे तेल की वजह से भयंकर आग लग गई। धमाकेदार आवाज एवं भयंकर आग से ग्रामीणों में तुरंत अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने जेई बिजली विभाग को फोन किया लेकिन जेई ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद ग्रामीणों ने अग्निशमन विभाग को फोन कर मामले की जानकारी दी। कुछ देर बाद पहुंची अग्निशमन की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सुबह सुबह ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो रहा था, देखते ही देखते जोर की आवाज के साथ ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर गया। ट्रांसफार्मर का सारा तेल गिरने लगा और तेल में आग लग गया, जो आग धीरे धीरे भयंकर रूप लेने लगा। जैसे ही अग्निशमन की गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाया गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट होने से जो है आग लग गया। एक घंटा से जेई को फोन कर रहे हैं, 4 बार 5 बार फोन किया है, एक बार भी फोन नहीं रिसीव किया है। उसके बाद है तो फिर स्टाफ को फोन किए हैं बिजली विभाग के, तो वो आया है। उसके बाद जो है तो फिर यानी अग्नि विभाग को फोन किए हैं, तो वो जो है बोला है 10 मिनट में गाड़ी भेज रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से जो है तो आग लगा। उसके बाद जो है तो हम लोग बुताने का कोशिश किए हैं, नहीं बुत पाया है। जेई को फ़ोन किया है, जेई 4 बार 5 बार फ़ोन किया है, एक घंटा पहले, रिसीव नहीं कर रहा है अभी तक। और तब जो है तो फिर अग्नि वाहन को फ़ोन किया है तो बोला है 10 मिनट में, यानी 3 आया है। और एक है मुकेश जी नाम है आपका, मुकेश जी आए हैं, वो आए हैं अपना देख रेख कर रहे हैं। और पहले ट्रांसफार्मर ब्लास्ट किया है, उसके बाद ब्लास्ट करने के बाद तेल गिरना शुरू हो गया, उसके बाद जो है सो आग बहुत तेज से लगना शुरू हो गया। बुझाने का काम किया, पानी वानी बालू वालू दिए, लेकिन कहीं कोई कॉल नहीं उठा रहा है। जियो को फोन किए हैं, उसके बाद थर्मल पे फोन किए हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा। दारू शराब पीने एवं नशे की हालत में जहां एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, वहीं एक अन्य व्यक्ति को शराब कारोबार के मामले में गिरफ्तार किया गया। शराब मामले में कुल 2 लोगों को उत्पाद विभाग दरभंगा के पुलिस ने गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत दरभंगा में लाकर बंद कर दिया, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पकड़े गए इन दोनों व्यक्तियों से हमने बात की, क्या कुछ इन लोगों ने कहा, आइए सुनाते हैं। प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आयोजन को लेकर मुख्य सचिव आमिर सुभानी की अध्यक्षता में बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बी राजेंद्र, अपर महानिदेशक विशेष सचिव गृह के एस अनुपम एवं सभी जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक आयोजित की गई। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि 24, 25, 26 एवं 27 अगस्त 2023 को प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
परीक्षा 2 घंटे की होगी, लेकिन अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उसी 1 घंटे के दौरान प्रश्न पत्र जोनल दंडाधिकारी द्वारा परीक्षा केंद्र में उपलब्ध कराया जाएगा। प्रश्न पत्र डिजिटल लॉक वाली पेटी में भेजा जाएगा, जिसका कोड परीक्षा तिथि के 2 दिन पहले बताया जाएगा। बॉक्स में से शील्ड पैकेट सीधे परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के सामने खोला जाएगा और परीक्षा समाप्त होने के उपरांत परीक्षार्थियों के सामने ही OMR शीट सील किया जाएगा और आयोग द्वारा विशेष मार्क वाले कवर लगाए जाएंगे, ताकि शील्ड पैकेट में छेड़छाड़ नहीं किया जा सके। दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए जिला मुख्यालय के निकट ही 1 या 2 केंद्र चिन्हित रहेगा, उन्हें स्क्राइब्स की सुविधा दी जाएगी। वहीं अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि अलग अलग विषयों के OMR सीट अलग अलग तरह के होंगे, इसलिए स्क्राइब्स को 2 दिन पहले आयोग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाया जाएगा, सर्विलांस कैमरा की व्यवस्था रहेगी, ताकि कहीं से बैठकर निगरानी की जा सके। महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। बाढ़ की स्थिति में 2 पाली में भी परीक्षा ली जा सकती है। ऐसे में प्रथम पाली पुरुष अभ्यर्थियों के लिए एवं द्वितीय पाली महिला अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा होगी। एडमिट कार्ड 10 दिन पहले डाउनलोड किया जा सकेगा, ऐसा सर्वर पर दबाव की स्थिति को देखते हुए किया गया है। एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र का नाम नहीं रहेगा, उसके बदले कोड रहेगा। परीक्षा तिथि के 2 दिन पहले उस कोड से संबंधित परीक्षा केंद्र का नाम बताया जाएगा। पुरुष अभ्यर्थी की फ्रेक्सिंग पुरुष पुलिस एवं महिला अभ्यर्थियों की फ्रेक्सिंग महिला पुलिस द्वारा की जाएगी। मोबाइल स्विच ऑफ करके परीक्षा केंद्र के बाहर ही रखवाने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा में नियमित शिक्षक महाविद्यालयों के शिक्षक ही वीक्षक के रूप में लगाए जाएंगे, जिनका रैंडमाइजेशन के माध्यम से परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। सभी परीक्षा कक्ष में दीवार घड़ी चालू अवस्था में रखने के निर्देश दिए गए। सभी जिलाधिकारी को 20 जुलाई से पहले परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि यह परीक्षा बेहद संवेदनशील है। स्वच्छ शांतिपूर्ण एवं कुशलता से परीक्षा संपन्न कराने की जिम्मेवारी सभी जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक की है। परीक्षा तिथि को जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक स्वयं परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करेंगे और स्वयं अपनी निगरानी में परीक्षा संपन्न कराएंगे। NIC दरभंगा से जिला अधिकारी दरभंगा राजीव रोशन, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह उपस्थित थे। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए दरभंगा सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी क्वेटी प्रमोद कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में क्वेटी प्रखंड के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में क्वेटी प्रखंड कार्यालय के नजदीकी मेसर्स प्रहाद किराना स्टोर से 1 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति दरभंगा के समक्ष उपस्थित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी है और बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्ति को 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20,000 रुपए प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। इस राशि को जमा नहीं करने वाले नियोजक के विरुद्ध 1 सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा। धावा दल टीम के सदस्य के रूप में प्रमोद कुमार त्रिपाठी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी केवटी, किशोर कुमार झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बेनीपुर, मनीष कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जाले कार्यालय कर्मी, आदित्य गौरव, आश्रय ट्रस्ट स्वयंसेवी संस्था के सदस्य निवेश कुमार,
प्रयास संस्था से नारद मंडल एवं संदीप कुमार झा, काष्ठ संस्था से नारायण कुमार मजुमदार एवं अजय कुमार प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, और पुलिस केंद्र दरभंगा से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के 2 पुलिसकर्मी शामिल थे। धावा दल की टीम के द्वारा लोहिया चौक से होते हुए क्योटी बाजार स्थित सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान में सघन जांच की गई और सभी नियोजकों से किसी भी श्रमिक को नियोजित नहीं करने के लिए शपथ पत्र भरवाया गया। श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा और दरभंगा शहर के साथ साथ सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा और बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। AIMIM के विधायक सह बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुलमान मंगलवार को दरभंगा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। दरभंगा के लहरेसराय स्थित आर्टन गैलरी प्रेक्षागृह दरभंगा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मौके पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी बनी रही। वहीं दरभंगा पहुंचे अख्तरुलमान ने केंद्र की बीजेपी सरकार से लेकर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस कार्यक्रम के अवसर पर AIMIM का विशाल सदस्यता अभियान मोहम्मद कलाम के नेतृत्व में चलाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुलमान ने की। मौके पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सैकड़ों लोगों ने AIMIM की सदस्यता ग्रहण की। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुलमान ने कहा कि करोड़ों नौजवानों को नौकरी एवं देश के प्रत्येक लोगों को 15-15 लाख रुपए खाते में देने वाली मोदी सरकार का वादा फेल हुआ, तब वे हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाकर तीसरी बार सत्ता पाना चाहती है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि शराबबंदी के आड़ में बिहार सरकार ऑफिसर के माध्यम से पैसे सत्ताधारी पार्टी तक पहुंचाती है। सत्ताधारी दल इस पैसे का पार्टी विस्तार में खर्च कर रहे हैं। सुशासन की सरकार ने बिहार को इस हालात में पहुंचा दिया है कि ऑफिसर मंत्री की बात नहीं सुनते। वहीं सभा को संबोधित करते हुए मोहम्मद कलाम ने कहा कि वह 2000 से राजद में विभिन्न पदों पर 20 सालों तक का सफर तय किया है और वह करीब से राजद को जानते हैं। RJD 1990 में BJP के समर्थन से सरकार बनाई थी। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार BJP के सहयोग से सरकार चला रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा के प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन ने कहा कि पूरे बिहार में RSS एवं BJP को घर घर लाने वाली नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। सभा का संचालन जिला संयोजक गुलाम मोजकीर खान ने किया। वहीं सद्दाम हसन रिजवान कुमार गौरव सिंह समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। ऐसा कर भी लेता, न जाने कितने इंजीनियर बेरोजगार है, मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बनने की सलाहियत रखने वाला डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है, नौकरी नहीं दे पा रहे हो और डोमिसाइल के कानून को तुमने लागू नहीं करके कह दिया कि बिहार के बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं आती, आर्या भट्ट की सरजमीन और बिहार के बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं आती, बिहार के बच्चों को साइंस पढ़ाना नहीं आता। देश की नेतागिरी के खातिर बिहार के नौजवानों के नौकरियों पर भी इस हुकूमत ने लात मारने का काम किया है। आज आप देख लीजिए, सरकारी ऑफिसों में जाकर देखिए, नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार बंद कर रहा हूं, जीरो टॉलरेंस। नीतीश कुमार का गुरु कहीं न कहीं से मोदी है, तारीख को याद करना पड़ेगा। मोदी को अगर किसी ने न्योता दिया देश की गद्दी पर बैठने का, प्रधानमंत्री बनने का, वो नीतीश कुमार है। आपकी गर्जना, आपकी चेतना ने पूरे राज्य ही नहीं बल्कि देश के नौजवानों में एक जागृति पैदा की है। आने वाले दिन आपका होगा, आने वाला दिन AIMIM का होगा, इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है। क्या भारतीय जनता पार्टी का गढ़ दिखाकर राष्ट्रीय जनता दल और क्या कहते हैं जनता दल यूनाइटेड लगातार जो है मुस्लिमों को जो है कहती है, डराने का कार्य करती है कि अगर आप जो है सावधान नहीं हुए तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी का इससे पहले जमाना रहा है? बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरिया सराय। पुस्तकालय में सूचना
सूचना विज्ञान संस्थान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा सत्र 2023-24 के छात्रों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सत्र के अधिकांश छात्र छात्राएं उपस्थित थे। मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय कुमार पंडित कुल सचिव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थे, किंतु कार्य व्यस्तता के कारण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान का यह पाठ्यक्रम छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य में सहायक होगा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विकास पदाधिकारी प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि दीक्षारंभ कार्यक्रम भारत सरकार की योजना है, जिसे छात्रों को कौशल विकास के लिए प्रेरित करने और अनुशासन में रहकर शिक्षा प्राप्त कराना है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान परिस्थिति में तकनीकी शिक्षा का ज्ञान रहना अति आवश्यक है, इसलिए एक वर्ष का यह कोर्स एक साल बाद आपको तकनीकी रूप से सक्षम बना देगा। उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जीवन चरित्र के साथ साथ उनके द्वारा दिए गए प्रमुख नियम की विशद व्याख्या की। आरंभ में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर दमन कुमार झा ने कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार को बुक भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं डॉक्टर एस आर रंगनाथन के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि से किया गया। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर दमन कुमार झा अपने स्वागत संबोधन में दीक्षारंभ के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह सत्र परिचयात्मक है, इसलिए संस्थान की सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों से छात्र छात्राओं को परिचय कराया। उन्होंने गुरु भक्त आरुणी की तरह शिष्यत्व रखने की बात कही। संस्थान के शिक्षक रंजीत कुमार महतो, गोपाल कृष्ण झा एवं गंगा प्रसाद ने भी सभी छात्र छात्राओं को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन गंगाराम प्रसाद ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन रंजीत कुमार महतो ने किया। इस अवसर पर संस्था के कार्यालय सहायक शंभु कुमार दास, प्रीति श्रीवास्तव एवं लाल बाबू उपस्थित थे। सामूहिक राष्ट्र गान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। साइंस का जो सबसे छोटा सा डेफिनेशन है वह है रियल, माने वास्तविक, नॉट हाइपोथेटिकल। रियल सिस्टमैटिक क्रमबद्ध, रियल सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। अभी हमारे दमन बाबू, नया जो सत्र है 23-24 उसका आरंभ हो रहा है, और यूजीसी के अनुसार जो सत्र आरंभ होता है उसमें छात्र छात्राओं के लिए इच्छारंभ इंडक्शन प्रोग्राम किया जाता है। आज इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा है, इसमें मुख्य रूप से यह दृश्य है कि अपने छात्र छात्राओं को अपने विभागीय जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं और विभाग की जो ऑफिस है उसके विषय में आज जानकारी दे देना है। उनका सिलेबस क्या है, एक साल में वो क्या क्या पढ़ेंगे, वो जैसा कि आप सुने ही होंगे कि इस बार से इलिस में सेमेस्टर सिस्टम लागू हो रहा है। सेमेस्टर सिस्टम का मतलब हुआ कि 6-6 महीना पर सो क्लास होगा और वर्ग होगा और परीक्षा चलेगी। पहले यह कोर्स एक साल के लिए हुआ करता था, अब यह एक साल में 2 बार परीक्षा होगी 6-6 महीना पर। तो इस बार से यह सिलेबस लागू है और आज परिचयात्मक सो कार्यक्रम है और आज परिचय पाठ होगा और इसके साथ यह सत्र आरंभ किया जाएगा। लाइब्रेरी साइंस पर बात हो रही थी सर, क्या है मैम ये? लाइब्रेरी साइंस एक तकनीकी कोर्स है, इसमें सभी संकाय के छात्र नामांकन ले सकते हैं, कला के भी, विज्ञान के भी, वाणिज्य के भी और इंजीनियरिंग के भी कुछ छात्र, जैसा कि हमें पता चला है कि इस बार नामांकित हुए हैं, उनके लिए एक तकनीकी शिक्षा है ये, और इससे इनका जो रोजगार का जो क्षेत्र है सो पूरे भारतवर्ष में होगा, न केवल विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल में, बल्कि म्यूजियम और भारत सरकार के जो बड़े बड़े संस्थान हैं, म्यूजियम है, लाइब्रेरी है, वहां भी इन लोगों को रोजगार की असीम संभावनाएं मिलेगी और हमारे छात्र वहां भी अपने रोजगार के लिए जाएंगे, जिससे विश्वविद्यालय का और अपने संस्थान का भी नाम रोशन होगा।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पॉलिटिकल साइंस विभाग और डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सेमिनार का आयोजन किया गया। भारत ताइवान व्यापारिक संबंध और चीन विषयक सेमिनार दिन के 11:30 बजे से नारगोना पैलेस के कौटिल्य कक्ष में आरंभ हुआ। इसकी अध्यक्षता पॉलिटिकल साइंस विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मुनेश्वर यादव के द्वारा की गई, जबकि मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर एसएम झा पूर्व कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा विषय वस्तु की ने व्याख्या की। साथ ही कई अन्य वक्ता एवं शोधार्थी भी ने भी अपना विचार रखा। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए दरभंगा सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी क्वेटी प्रमोद कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में क्वेटी प्रखंड के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में क्वेटी प्रखंड कार्यालय के नजदीकी मेसर्स प्रहाद किराना स्टोर से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति दरभंगा के समक्ष उपस्थित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी है और बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्ति को 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20,000 रुपए प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। इस राशि को जमा नहीं करने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा। धावा दल टीम के सदस्य के रूप में प्रमोद कुमार त्रिपाठी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी केवटी, किशोर कुमार झा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बेनीपुर, मनीष कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जाले कार्यालय कर्मी, आदित्य गौरव आश्रय ट्रस्ट स्वयंसेवी संस्था के सदस्य निवेश कुमार, प्रयास संस्था से नारद मंडल एवं संदीप कुमार झा, काष्ठ संस्था से नारायण कुमार मजुमदार एवं अजय कुमार प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और पुलिस केंद्र दरभंगा से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के 2 पुलिसकर्मी शामिल थे। धावा दल की टीम के द्वारा लोहिया चौक से होते हुए क्यूटी बाजार स्थित सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान में सघन जांच की गई और सभी नियोजकों से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने के लिए शपथ पत्र भरवाया गया। श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा और दरभंगा शहर के साथ साथ सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा और बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसीपी और सहित 11 सूत्री मांगों के समर्थन में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत कर्मचारी संघ की ओर से अनिश्चितकालीन कर्मचारी संघ का कलमबंद हड़ताल जारी है। वक्ताओं का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा 2013 ईस्वी में उनका न्यायाधीश हुआ और उस आलोक में बिहार सरकार के द्वारा राशि भी विश्वविद्यालयों को प्राप्त हुई। उस राशि का भुगतान कुछ आंशिक रूप से पूर्व में दिया गया, अद्य पर्यंत हम लोग को भुगतान नहीं किया गया, जिसका नाम है एसीपी एमएसीपी, उस राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। और सातवें पुनरीक्षित वेतन का भी भुगतान हम लोग को नहीं हुआ है। कुछ आंशिक रूप से 42%
सभी शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को दिया गया और 58% राशि का भुगतान नहीं होना। अनुकंपा के आधार पर राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश होते हुए भी ससमय अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं होना और विश्वविद्यालय कार्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी बार बार संघ के द्वारा निवेदन किया जा रहा, लेकिन किस कारण से विश्वविद्यालय प्रशासन कार्यालय व्यवस्था को नहीं कर पा रहे हैं वो विश्वविद्यालय प्रशासन ही आपको इसका प्रकट करेंगे। चौथा, परीक्षा संबंधी भी कर्मचारी के द्वारा हुआ जो परीक्षा को सुव्यवस्थित किया जाए, आज तक परीक्षा कार्यक्रम भी सही रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा असहयोग होने के कारण कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय का परीक्षा भी प्रभावित होती है पूर्णतः विश्वविद्यालय प्रशासन के असहयोग होने के कारण। और कितना सूत्री मांग है? 11 सूत्री मांग है। तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा? यदि हम लोगों को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में सम्मान रूप से हम लोगों को यदि भुगतान नहीं की जाती है तो आगे हड़ताल जारी रहेगी और उग्र भी होगी। क्या नाम हो आपका? डॉक्टर रविंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। पारितोषिक नहीं मानदेय चाहिए, 1000 में दम नहीं, 10000 से कम नहीं। सभी कार्यकर्ताओं को सरकारी सेवक घोषित करने, पेंशन निर्धारित करने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर आशा का अनिश्चितकालीन हड़ताल 7वें दिन बहादुरपुर, हायाघाट, हनुमान नगर, बहेड़ी, जाले, सिंगवाड़ा, मनीगाछी, टारडी सहित सभी सामुदायिक अस्पताल एवं रेफर अस्पताल के समक्ष आशाकर्मी अपने राज्यव्यापी आह्वान के तहत हड़ताल पर डटी रही। इस दौरान अस्पताल के मुख्य द्वार को बंद कर आशाकर्मियों ने धरना दिया। आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आंदोलन के नेता देवेंद्र कुमार ने जाले अस्पताल परिसर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आशा कार्यकर्ता को पारितोषिक नहीं मासिक मानदेय समेत आशा को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आशा कार्यकर्ता व फैसिलिटेटरों की मांग जायज है, इसे अविलंब सरकार पूरा करे। सभा को संबोधित करते हुए आशा संघ के नेता सविता कुमारी ने कहा कि किसान आंदोलन की तरह शहादत देकर भी अपने हक की लड़ाई लड़ेंगी आशा, और जब तक सरकार मांग नहीं पूरी करेगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वहीं सभा को संबोधित करते हुए एक्टू के जिला प्रभारी डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं की मांग जायज है, सरकार अविलंब पूरा करे, नहीं तो अस्पताल में शुरू हुआ आंदोलन सड़क पर तेज होगा। वहीं आशा नेत्री संयोगिता चौधरी ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल के समर्थन में 20 जुलाई को दरभंगा जिलाधिकारी के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने का आह्वान किया। हड़ताल का नेतृत्व बहादुरपुर में मिंसुमन कुमारी, विजय लक्ष्मी देवी, बेबी देवी, कंचन कुमारी, रीता देवी, अनीता देवी, ललिता देवी, प्रतिभा कुमारी आदि ने किया। तो ये थे अब तक के समाचार, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।